खुशी के लम्हों को कैद करती ये तस्वीरें दरभंगा शहर से सटे बेनीपुर प्रखंड के शिवराम सुपौल गांव के परिवार की है। और इस परिवार के होनहार लाल ने पहले ही प्रयास में देश के प्रसिद्ध और कठिन परीक्षा माने जाने वाले जेईई एडवांस में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में पूरे देश में 949वां रैंक प्राप्त कर आईआईटी में अपना स्थान बनाकर मिथिला की मेघा का परचम लहराया है। आपको बता दें कि मोहम्मद फजल करीम के पुत्र अता करीम सुभानी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा शहर के इकरा एकेडमी से और 12वीं एंजल हाई स्कूल से इसी वर्ष पास किया है। उनकी सफलता और सफलता के संघर्ष को लेकर मिथिला लाइव 24 ने सफल छात्र और उनके अभिभावक से बात की है, आप भी देखिए। अब मेडिकल में बैचलर और वोकेशनल कोर्स के लिए कहीं और क्यों जाना, टिम्स है ना? टिम्स? हाँ, UGC से मान्यता प्राप्त दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स कीजिए और दीजिए अपने करियर को एक ऊंची उड़ान। एडमिशंस ओपन फॉर 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा, 2 ईयर्स ऑफ एडवांस डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स। संपर्क करें दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिम्स कैंपस इन फ्रंट ऑफ गायत्री मंदिर, दरभंगा। कॉल करें 7781061194 या 6203545701 पर। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? अता करीम सुभानी है मेरा नाम। मेरा घर शिवराम सुपौल है, बेनीपुर ब्लॉक, जिला दरभंगा, और अभी करंटली हम दरभंगा में रह रहे हैं, फैजुल्ला खान मोहल्ला में। अच्छा, ये आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू किया, इंटर और मैट्रिक कहाँ कहाँ से किया? 10th क्लास एकरा एकेडमी से और 12th क्लास एंजल हाई स्कूल से, मतलब ये दरभंगा शहर में। दरभंगा शहर के एंजल हाई स्कूल से आपने किया। आपने देश के प्रसिद्ध IIT प्रवेश परीक्षा को पास किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब काफी मुश्किल एग्जाम होता है, इसीलिए सब खुश है, मतलब घर में माँ बाप, रिश्तेदार सब, मतलब भाई बहन सब। इस सफलता को पाने के लिए आपने तो कितना संघर्ष करना पड़ा? मतलब संघर्ष तो करना पड़ा, मतलब काफी मुश्किल होता है, काफी मतलब लंबे समय तक, मतलब कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन चाहिए होता है हार्ड वर्क के साथ, तो मतलब। क्या ये जो एग्जाम दिया आपने, ये पहला प्रयास था कि इससे पहले भी आपने प्रयास किया था? नहीं, पहला प्रयास था मेरा, इसी साल 12th क्लास पास हुआ मेरा। आपने अपनी तैयारी जो किया है इस एग्जाम को पास करने के लिए, वो कहाँ से की है, दरभंगा शहर से या कहीं और बाहर से? नहीं, 11th क्लास में तो मतलब दिल्ली में था, उसके बाद तो फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर घर पे ऑनलाइन क्लास ही चल रहा था, तो 12th क्लास मतलब घर पे ही हुआ ऑनलाइन क्लास। अब तो आपको कॉलेज में प्रवेश मिल गया है, आप किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे? अभी तो मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सोचा है, उसमें अगर आगे कुछ रिसर्च करना होगा तो वो करेंगे, वरना या फिर UPSC की सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी। तो आपके साथ तो बहुत सारे साथी रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जूनियर्स को ये कहना चाहेंगे कि हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, मतलब कंटिन्यू लंबे समय तक के लिए मतलब पढ़ना होता है, 2 साल छोटा पीरियड नहीं होता, तो मतलब लंबे समय के लिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करो तो हो जाएगा। आपकी इस तैयारी में किन लोगों का सहयोग रहा और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मतलब अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं इतना अच्छा रैंक आया, उसके अलावा माँ बाप, भाई बहन सभी का मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, टीचर्स का सभी को जो मतलब शुरू से हम गाइड किए पढ़ाएँ। थैंक यू मिथिला लाइव से बात करने के लिए। जी, आप इन बच्चे की माँ हैं जी, आज ये बच्चा पास करके आया है जी, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, खुशी हो रही है जी। आपने कितना योगदान दिया है इस बच्चे को आगे बढ़ने में, क्या क्या सब योगदान रहा? बहुत योगदान किया है, योगदान किए। आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि अभी तो ये कॉलेज प्रवेश हो गया है, आगे का क्या उम्मीद करते हैं आप इस बच्चे से? उम्मीद करते हैं कि अच्छा से अच्छा पढ़े और देश की खिदमत करे। क्या नाम हुआ आपका? अफरोजा खातून। आज ये बच्चा एक बड़े कॉलेज के में प्रवेश ले लिया है, एक रिजल्ट आया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत फख्र हो रहा है कि घर का बच्चा एक मुल्क के पैमाने का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई किया है IIT JEE एडवांस, और उसमें अलहमद इसका रैंक भी बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया रैंक 949 लाया है। इसके पहले मैंने मेंस में भी इसका अच्छा रैंक था, 506 था। तो एक्सपेक्टेशन तो हम लोगों का था ही कि अच्छा करेगा, और शुरू से ये बच्चा बहुत लेबोरियस था, इंडस्ट्रियस था, इसके टीचर जो भी थे जिस स्टेज में सब इससे अच्छी उम्मीद रखते थे, और सबों का ये प्रिडिक्शन था कि बच्चा आगे अच्छा करेगा। लेकिन आगे आगे का क्या उम्मीद करते हैं, आगे इनसे क्या होगा? इंशाल्लाह ये किसी अच्छे IIT कॉलेज में एडमिशन लेगा, IIT क्वालिफाई करने के बाद फिर आगे का रास्ता ही हम वार करेंगे, और हम चाहेंगे कि UPSC के लिए कोशिश करें, UPSC सिविल सर्विस में जाएं और उनकी खिदमत करें, एक अच्छे शहरी बने। क्या नाम? मेरा नाम फजल करीम हुआ।